वो जो सागर पे राज करेगा वही विश्व पे राज करेगा। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रशिया और चाइना के पास अनेकों प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने परीक्षण किया है ये, और ये उसका परीक्षण असफल हो गया। और इससे चीन और रशिया के खेमे में बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि चीन और रशिया दोनों के ही पास ये टेक्नोलॉजी है और वो उसका सफल परीक्षण भी कर चुके हैं। और रशिया तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर चुका है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो मिसाइल है बहुत ज्यादा आधुनिक है। कहा जाता है कि साउंड आवाज से 5 गुना ज्यादा की गति पर ये उड़ती है और जमीन से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ये उड़ती है ये, और इतनी फास्ट चलती है कि कोई भी रडार जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और यही कारण है जब ये मिसाइल आती है, दुश्मन जब इसको फेंकता है तो पता ही नहीं चल पाता आपके पास कितने भी आधुनिक तरीके हों। और इसको लेकर अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है जो उसको अपग्रेड किया जाए। और इसी दिशा में कई और देश हैं, भारत उसमें शामिल है, जो कोशिश कर रहा है कि जो ये मिसाइल है किसी न किसी तरीके से इसको अपने जो नेवी है उसमें शामिल किया जाए, अपने जो सेना है उसमें शामिल किया जाए। भारत समेत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ये सब इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि भारत की जो ब्रह्मास मिसाइल है, जो कहा जाता है बहुत ही ज्यादा आधुनिक है, आने वाले समय में 4 या 5 सालों में भारत की कोशिश है कि इसको हाइपरसोनिक बनाया जाए, ऐसी भारत की कोशिश है। तो भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा, रशिया, चीन और अमेरिका जैसे देशों में। अमेरिका की कोशिश, और एक्सपर्ट्स मानते हैं जल्दी अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सक्सेसफुली कर पाएगा, क्योंकि वो उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। और इसी पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा। सबसे पहले मैं पीके सहगल सर आपसे जानना चाहूंगी कि जो मिसाइल का परीक्षण अमेरिका कर रहा है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और डेस्परेशन होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन, जो जानी दुश्मन है इस समय अमेरिका का, समुद्र में अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका जो है बहुत ज्यादा डेस्परेट है। वो भी चाहता है कि वो जो सी में जो शक्तियां बढ़ रही हैं उस पर इस तरह का कोई ना कोई कोई ऐसी मिसाइल हो उस पर, जिसके सी पे जो शक्तियां हैं, जो पावर है सी की, उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो क्यों बहुत ज्यादा डेस्परेट है और क्यों चीन और रशिया बहुत ज्यादा खुशी है, और ये कब तक की उनकी खुशी रह सकती है? आपको नहीं लगता है कि अमेरिका के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है उससे बहुत जल्द अमेरिका सफलता पा लेगा? अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट है उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली। इसको देखकर रशिया और चाइना जो है बहुत खुश है। रशिया और चाइना के पास अनेकों प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो स्पीड और साउंड से 5 से 10 गुना तक तेज होते हैं, और वो अमेरिका के मेनलैंड के अंदर 15 से 20 मिनट में हामी हो सकते हैं। और अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं और उनके एसेट्स हैं एशिया पैसिफिक में, उनको काफी आसानी से उनके ऊपर हामी हो सकते हैं। ये मिसाइल जो है जमीन से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करती है, हाईली मैनूवरेबल है, क्योंकि ये बहुत तेज है। जितने भी अमेरिका के पास नॉन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसको डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन डिटेक्ट करने के बाद इसको आइडेंटिफाई करके बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे में फॉर द टाइम बींग रशिया और चाइना बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई है, ऐसी क्षमता मिल गई है जिससे वास्तव में उन्होंने अमेरिका को मत दे दिया है। लेकिन मेरे मुताबिक ये खुशी जो है शॉर्ट टर्म है। अमेरिका के पास तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिनके माध्यम से उन्होंने रोवर सबसे पहले मार्स पर उतारा और मार्स पर ऑपरेट किया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट किए, इसी प्रकार उन्होंने चांद के ऊपर सबसे पहले आदमी उतारे थे। उनके पास हर प्रकार की सॉफ्टवेयर, हर प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगले 6 महीने से के साल के अंदर वो ये क्षमता हासिल कर लेंगे। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि बहुत ज्यादा आधुनिक है ये मिसाइल, और बहुत ही कम समय में अमेरिका के बहुत से पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और यही कारण है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसका सफल परीक्षण किया जाए। और यहां सर ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चीन और रशिया को, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ही था जो चांद पे सबसे पहला पहुंचा, और मार्स पे बहुत सारे अमेरिका ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और जिस तरह से मार्स पे लगातार
अमेरिका की टीम जा रही है उसे अमेरिका के पास बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्द सर का मानना है 6 से 1 साल में अमेरिका हाइपरसोनिक जो है उसको बिल्कुल उसका सफल परीक्षण कर पाएगा और अमेरिका की सेना में ये शामिल हो जाएगी। अब चलते हैं अब एसपी सिन्हा सर से। सर, हाल में जो सुनने में आया है कि अमेरिका ने अपना नेवी का बजट बहुत ज्यादा बढ़ाया है, क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे? जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि क्या अमेरिका बहुत ज्यादा डेस्परेट है, जिस तरह से चीन अपनी ताकत समुद्र में बढ़ा रहा है उसी तरह से अमेरिका भी चाहता है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा ताकत समुद्र में बढ़ाई जाए और यही कारण है हो सकता है कि उसने अपना बजट इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। अमेरिका ने हाल फिलहाल में अपने नेवी बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, इसके क्या मायने हैं? क्या वो सागर में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है? सागर में शक्तिशाली तो वो है ही, लेकिन क्या उसमें और इजाफा करना चाहता है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड, वो जो सागर पे राज करेगा वही विश्व पे राज करेगा। मेरा ख्याल है यही परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने सोचा है कि वो अपनी सागर में अपनी शक्ति में इजाफा लाए। इसके कारण क्या है? इसके मुख्य कारण है कि अमेरिका भली भांति समझने लग गया है कि उसका मेन दुश्मन चीन है, मुख्य दुश्मन चीन है, तो चीन को चुनौती देने की जरूरत है। तो चीन को चुनौती, उसको मैक्सिमम खतरा कहाँ से आ रहा है? चीन कुवैत के परिप्रेक्ष्य में एक खतरा है, चीन साउथ चाइना सी में खतरा है, चीन इंडो पैसिफिक में खतरा है। तो यदि चीन पे अंकुश लगाना है तो इंडो पैसिफिक सीज में, साउथ चाइना सी में अमेरिका को अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नेवल वेसल्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर शिप्स और का डिप्लॉयमेंट में इजाफा करना पड़ेगा। उसके जो शिप्स हैं, जो एयरबॉर्न फैसिलिटी को सुविधा प्रदान करते हैं, हो सकता है वो भी और एडिशनल शिप बढ़ाना पड़े। तो ये सब स्वरूप है। यदि ऐसा चीन, यदि अमेरिका ये चीन नहीं करता है चीन के खिलाफ, तो चीन जिस तरह से अपनी शिप्स का प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, इवन इंडियन ओशन रीजन में, वो अमेरिका के लिए बहुत दुखद खबर है, बहुत खतरनाक खबर है। तो मेरा ख्याल है इसी परिपेक्ष में अमेरिका ने बहुत बुद्धिमता के साथ ये फैसला किया है कि वो अपना नेवी का बजट बढ़ाएगा। और स्वाभाविक है, तो नेवी का बजट बढ़ाएगा तो शिप्स में इजाफा होगी, सबमरीन्स में इजाफा होगी, जो और वॉर इक्विपमेंट्स हैं, वॉर वेपन्स हैं, उसमें इजाफा होगा और वो बैलेंसिंग फोर्स होगा, डेटरेंट होगा चीन के लिए। और इसी परिपेक्ष में अमेरिका ने ये काम किया है। तो बहुत ही अच्छी कोटेशन से सर ने जवाब दिया है, हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी सी पर जो ज्यादा भारी है, जो रूल करेगा सी को, वही वर्ल्ड को रूल करेगा और यही अमेरिका चाहता है। और वो देख रहे हैं लगातार चीन अपनी जो ताकत है समुद्र में बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा शिप्स सबमरीन्स आ रहे हैं और ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि जो चीन को अगर टक्कर देनी है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, जहां चीन लगातार परेशान कर रहा है, लगातार अपनी जो पावर है समुद्र में बढ़ा रहा है, उसके शिप्स वहां ज्यादा जा रहे हैं, सबमरीन्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं और बहुत सारे एडवांस जो इक्विपमेंट है वो सी में डिप्लॉय कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि सी पर पूरी तरह से कब्जा किया जाए। चाइना उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और हर हालत में वो उस चुनौती को का सामना करना चाहता है और चीन को बराबर की टक्कर और उससे ज्यादा प्रभाव को समुद्र में दिखाना चाहता है और यही कारण है अमेरिका ने अपना नेवी बजट बढ़ाया है। और दोस्तों, इन सब के भी सबसे अच्छी बात जो ये है, जो एक्सपर्ट्स ने बताई है कि भारत में जो भारत का ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है कि मिसाइल जो हमारा है बहुत एडवांस है, इसको कोशिश कर रहा है भारत की 5-6 साल में हाइपरसोनिक बनाया जाए। इसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिससे ये पावरफुल बन जाए। और इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं, तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है और भारत भी शामिल है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाए। क्योंकि यदि ये मिसाइल
किसी की भी आर्मी में आती है तो ऑटोमेटिकली वो देश बहुत ज्यादा पावरफुल कहलाएगा, क्योंकि जो मिसाइल है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही मिनटों कुछ ही समय में दुश्मन की पूरी कह सकते हैं बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है बिना किसी जानकारी के, बिना डिटेक्ट हुए। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से चर्चा करने की जो आम चर्चा में नहीं आ पाते हैं, आम जो जिस तरह की कवरेज होती है उनमें इन चर्चाओं को स्थान नहीं मिल पाता है, इन मुद्दों को स्थान नहीं मिल पाता है, लेकिन ये देश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग जानना भी चाहते हैं। न्यूज नशा की बराबर कोशिश बनी रहेगी कि आप तक ऐसे टॉपिक लाए जाएं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो डिफेंस हो या वो पॉलिटिकल हो, आप तक एक्सपर्ट्स के माध्यम से कुछ अनटच्ड टॉपिक्स पहुंचाए जाएं। तो इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।